देवभूमि में वापसी के साथ साथ हरिद्वार में बैठ गए हम नाश्ते के लिए। ये रही पूरी टीम, तो नाश्ता करने के लिए बैठ गए। जस्ट अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पुणे से। मौसम में बदलाव दिखने लगा है और हम यहाँ पहुँच गए। आते ही सबने भारी बैटिंग शुरू कर दी है, सीधे टूट पड़े आलू पराठे दही और अचार में। ये सारे सीओम का पांचवा पराठा सर, चार खा चुके हैं। शुरुआत नहीं की देखिए, चार खाने के बाद भी इन्होंने शुरुआत नहीं की हमने, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, और ये इधर ये रहे सब सामने। देवभूमि ऑफिस की बातों की तरह होती है, जैसे यहाँ आते हैं तो हवा पानी खुशबू सब बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं और सब कुछ बदल जाते हैं। तो वहाँ पर आगे हमारे और इधर है सारे फिलहाल बैठे हैं हरिद्वार में। यहाँ से निकलेंगे, हरिद्वार से निकलेंगे रास्ता, फिर पकड़ेंगे हम रास्ता। तो एक एक करके निकलने लग गए। अब तो सार हरिद्वार से अपने घर की तरफ जा रहा है और उसके बाद में ये है। तो रिस्पनों से जा रहे हैं अभी और ऑफिस जो मेन ऑफिस है वहाँ से फिर बढ़ेंगे आज जा रहे हैं। गीता भवन के भी पड़े हुए हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जाने में। तो टीम पहुँच गई गीता भवन मेन ऑफिस में, यहाँ पर उपसा और UBFA के मेन ऑफिस। कप्तान ने उठा ली है ट्रॉफी, ये रही कप्तान के हाथों में ट्रॉफी। और UB के ऑफिस में वो रख दिए ट्रॉफी यहाँ पर और ये रहे यहाँ पर प्रोग्राम वेट कर रहे हैं। सेम मुंह खोलो। हाँ हाँ सर, खिला रहे ना सबको, खिला रहे सर सबको। लीजिए जी, अरे खाओ यार, हमारे हाथ से खाओ। साइज जबरदस्त, पर एक गोल देखा मैंने दाएं के अंदर, ये भी पास और ये भी बॉल अंदर। तो कैसे खा लिया? तो आप हम सब यही बैठ रहे हैं।
कैप्टन है, मैं चाहूँगा कैप्टन शिवम नेगी जी आ गए और उसका टीम ने शुरू करा है। और आप पढ़ रहे हैं अभी? मैम मैं ग्रेजुएशन कर रही हूं। ग्रेजुएशन कर ले कहां से की? यू से। यू से? ये बहुत ही अच्छी बात है। किस सब्जेक्ट में ली? मैम बीए प्रोग्राम किया है हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो आगे क्या सोचा है? मैम अभी बोलिए सक्षम भारत, सक्षम भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो फिलहाल पहुंच गए हैं हम होम, क्या क्या कहते हैं, हैप्पी होम स्वीट होम, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बट हमारे लिए तो घर घर है। मज़ा आ गया, पहुंच गए। फिलहाल अभी एक ही की एंट्री हुई है, वो बैठी हुई है। मेरा कोई इंतज़ार नहीं था इन्हें, इसलिए वो आराम से तसल्ली से, और आते ही पूछा, बोला अरे इतनी जल्दी आ गए? तो मैंने कहा क्यों, दो चार महीने और लगा के आता क्या? तो ये हाल है भाई इनका घरों में, एक अभी आई नहीं है, छोटी बुलबुल, वो भी आ जाएगी। आजकल उसके स्पोर्ट्स चल रहे हैं सुनने में आया है, और ये डिमांड आ गई है कि कल से तो मेरा एक क्या कौन सा ड्राइवर, फ्री का ड्राइवर आ गया है, यानी कि स्कूल ड्रॉप करने का, तो करना पड़ेगा भाई, क्या करें, है ना। चलो यही सही है फिलहाल। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर ऑल द सपोर्ट, आप सबके सपोर्ट के लिए, वेल विशेस के लिए। तो एक साल का टूर्नामेंट हम ख़त्म करके आ चुके हैं, नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल चैम्पियनशिप दूसरे स्थान पर रहकर एक साल हमारा हो गया, एक साल का हिसाब किताब। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही, कुछ अलग लेकर, कुछ नया लेकर। फिलहाल घर पहुंच के कुछ तो तसल्ली से कुछ सांसें चैन की ले लेते हैं। तो इस घर में एक रोंदूमल रहता है, ये है, भूख लग गई, मेरा टिफिन गिर गया था, और टिफिन गिर गया था तो मैं क्या करूं। हाय हाय बेबी, तो बेबी आ गई है हमारे घर में, और बेबी को डैड पसंद है, है ना। बेबी को डैड पसंद है, तो बेबी अब आएगी डैड के पास। टोपी लगाऊंगा मैं, तो ये आते ही लूटना शुरू कर दिया। इसकी नजरें सीधे सामान पर, ये रखे हुए सामान पट्टी की पड़ी है, कहाँ कहाँ का क्या क्या मिलेगा। एक लग गई भात खाने में, और एक लग गई आपके लिए लाए हम प्रोटीन बार, टॉफी, सब कुछ लेके आए। तो इसका ये रोने का प्रक्रिया चालू है, और ये देखिए शुरू हो गई है बात ही। तो इसके चल रहे हैं आजकल स्पोर्ट्स, चल रहे तेरे स्पोर्ट्स डे की तैयारी चल रही है? अच्छा, स्पोर्ट्स डे की तैयारी चल रही है। तो मेरे स्वागत में दो पंक्तियाँ कुछ आप कहना चाहते हो? हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे स्वागत में दो पंक्तियाँ, याद तो आई होगी मेरी? नहीं। बिल्कुल भी नहीं आई, मिस तो किया होगा,
वो भी नहीं किया? नहीं, बस एक चीज में याद आई कि आप सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जाते थे। अरे प्रभु जी, क्या होगा भैया, सारे एक ही फ्लेवर के।